हॉस्पिटल प्रकरण में नहीं है आगरा प्रशासन पर विश्वास, पारस प्रकरण की हो सीबीआई न्यायिक जांच। जनमन सीबीआई मांग को लेकर दिया धरना। पारस हॉस्पिटल प्रकरण को लेकर उप मुख्यमंत्री के आने बयान के बाद आज जनमंच में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल पर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पारस हॉस्पिटल प्रकरण पर उप मुख्यमंत्री के बयान पर नाराजगी जताई गई। कहा जो आगरा प्रशासन पहले ही हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे चुका है, उससे न्याय की अब पीड़ितों पर आगरा की जनता को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है और मांग के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए प्रकरण की सीबीआई न्यायिक जांच होनी चाहिए। जनमंच ने कहा कि जब तक पारस हॉस्पिटल प्रकरण की सीबीआई न्यायिक जांच नहीं होगी, तब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही कहा सिर्फ पारस हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं है, जिन 12 हॉस्पिटल ने पैसा वापस किया है तो अपराध तो उन्होंने भी किया है। इस पूरे प्रकरण में सरकारी विभाग भी शामिल है, इसलिए घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, नहीं तो दोषियों को सजा नहीं मिल सकेगी। मांग की कि आगरा के डीएम सीएमओ को तुरंत हटाया जाए, तभी निष्पक्ष जांच होगी। जब तक डीएम व सीएमओ पद पर है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर जल्द डीएम व सीएमओ को हटाते हुए सीबीआई न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई तो जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट आमरण अनशन पर बैठेंगे। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने किया और संचालन भारत सिंह ने किया। बैठक में सुरेंद्र लखन, हरदयाल सिंह, उदयवीर प्रताप राठौर, विजय शर्मा, लोकेश आदि लोग उपस्थित रहे। चौधरी अजय सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश जनमंच। आज जो कार्यक्रम किया गया है, आज धरना प्रदर्शन का जो ये कार्यक्रम है, आपको ये विदित है कि आगरा में पारस हॉस्पिटल में मॉकड्रिल के नाम पर 22 लोगों की हत्या कर दी गई। कुछ हॉस्पिटलों ने जितने पैसे उनके पास कोविड की बीमारी में पहुंचने चाहिए थी सरकारी मानकों के अनुसार, उससे कई गुना अधिक उन्होंने पैसे की धनवाई की, अवैध वसूली की। जब उनके ऊपर जनमंच ने लेकर के इस बात को लेकर के जब आंदोलन किया, प्रेशर बना, तो उन्होंने कुछ लोगों का पैसा जो है वापस किया। इसका मतलब अपराध कहीं ना कहीं घटित हुआ। आज इन्हीं मांगों को लेकर के जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि जांच अभी जारी है और जांच प्रशासन करेगा, जनमंच इस बात पर नाकुची जाहिर करते हुए किस प्रशासन की बात कर रहे हैं कि ये जांच करेगा, जो प्रशासन पहले ही पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे चुका। क्या उस प्रशासन से हम न्याय की उम्मीद करें? क्या वो प्रशासन जिन्होंने अपने भाई, जिन्होंने अपनी बहने, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, क्या उन्हें न्याय दे पाएगा? क्या वो न्याय, वो प्रशासन आगरा की जनता को न्याय दे पाएगा? क्या वो प्रशासन जिस जनता का विश्वास डॉक्टरों के ऊपर भगवान के रूप में था, क्या दोबारा से बहाल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां एक दुर्गंध आ रही है। पारस हॉस्पिटल प्रकरण और ये अन्य प्रकरण, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बने हुए हैं, ये 12 पारस हॉस्पिटल के सिवाय एक दर्जन करीब हॉस्पिटल और थे जिन हॉस्पिटलों ने पैसा वापस किया या जिन पर जो है धनुवाई का जो अतिरिक्त आरोप लगे, कहीं ना कहीं जो आपका प्रशासन है इसमें सम्मिलित है। जब तक आगरा में डीएम और सीएमओ कार्यरत रहेंगे, तब तक यहाँ निष्पक्ष जांच होना पॉसिबल नहीं है। जनमंच ने मांग की है घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, इन्हें जेल जाना ही पड़ेगा और जो अपराध करेगा उसका स्थान सिर्फ जेल में होता है। यहां अगर सीबीआई जांच अगर होती है तो जो प्रशासनिक लोग हैं ये भी जांच के दायरे में आएंगे। इसलिए सिवाय सीबीआई जांच से नीचे जनमंच को कोई चीज मंजूर नहीं है। घटना की सीबीआई जांच को लेकर
जनमंच ने आज धरना प्रदर्शन किया है। अगर इस पर सीबीआई जांच के आदेश नहीं हुए तो आगे आमरण अनशन किया जाएगा।